झारखंड की राजधानी रांची में काजू का भाव 600 से 900 रुपया प्रति किलो है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां से महज 200 किलोमीटर दूर काजू मात्र 20 से 30 रुपया प्रति किलो बिकता है। दरअसल जामताड़ा के नाला प्रखंड में काजू की खेती होती है। यहां करीब 50 एकड़ में काजू का बागान है। हर साल यहां बड़े पैमाने पर काजू का उत्पादन होता है। स्थानीय लोग कच्चे काजू को औने पौने भाव में बेच देते हैं। काजू बागान है जो करीब करीब 49 एकड़ में लगा हुआ है। करीब करीब पौधा 30 से 35 हजार पौधा है। यहाँ एक दुबे जी बोल के जामताड़ा का है, वो जो डाक लिया है। लेकिन काजू का पैदावार ठीक है। काजू यहाँ पहले बेचता था, पहले जो कोई नहीं डाक लिया था तब 10 रुपया 20 रुपया किलो बेच जाता था। अभी 30 रुपया 40 रुपया बिक रहा है कच्चा वाला। काजू बागान की बंदोबस्ती के लिए सरकार इसे 3 साल के लिए ठेके पर देती है, वो भी मात्र 3 लाख रुपए में। कम समय की वजह से ठेकेदार पेड़ों की सही देखभाल नहीं करते और काजू की चोरी से भी पैदावार पर असर होता है। इसके बावजूद हर साल 50 से 60 क्विंटल काजू का उत्पादन होता है। जिले में प्रोसेसिंग की व्यवस्था न होने के कारण कच्चे काजू को पश्चिमी बंगाल भेज दिया जाता है। ठेकेदार कच्चे काजू को 150 रुपया प्रति किलो के भाव से बेच देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद इसी काजू की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार की मेहरबानी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। काजू बागान है, उसका हम डाक लिए हुए हैं 3 साल के लिए और 18-19-20 तक है, तो उसका फलन ठीक होता है मोटा मोटी। देखभाल नहीं होने के कारण उसमें दबाव भी नहीं दिया जाता है, उसका कूड़ा वड़ा रख रखाव हो तो मानते हमारा 3 साल के लिए डाक है, इसीलिए हम उतना नहीं कर पाते हैं। और जो माल ऊपर उसका तोलाई होता है उसको बंगाल दीघा में हम लोग माल भेज देते हैं। प्रशासन ने काजू बागान को विकसित करने और यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की कोशिश कई बार की लेकिन नतीजा सिफर रहा। ईटीवी भारत की पहल पर जिले के उपायुक्त ने काजू बागान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वे प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और काजू की पैदावार बढ़ाने को लेकर बेहतर प्रयास करेंगे। निरीक्षण के क्रम में मैंने उत्सव वर्ष वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ निरीक्षण किया था और लोगों से जानकारी प्राप्त की थी। काजू बागान बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, करीब 50 एकड़ में है। उसके अलावा भी जमीन में भी काजू के पेड़ हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग नहीं होने के कारण समुचित जो लाभ मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना वहाँ की जाए। उसके लिए हम लोग जो है सो लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर भी इस बात को जिला प्रशासन उजागर करेगा। जामताड़ा में काजू की खेती की अपार संभावनाएं हैं। प्रोसेसिंग प्लांट लगने से यहाँ के लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि काजू उत्पादन में झारखंड का नाम भी देश भर में जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।